एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ नवरत्न वेज कोरमा। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, लेकिन ये इतनी रिच बनती है, इतनी ज़्यादा यमी बनती है कि आप इसे अपने आप को खाने से रोक नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। यहाँ मैंने ले लिया है 100 ग्राम बीन्स, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। मैंने ले लिया 2 शिमला मिर्च और 2 गाजर, इसे भी मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। थोड़ा सा मैंने मटर लिया है और 150 ग्राम पनीर लिया है, इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने मगज़ लिया है, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ है, 2 इंच अदरक है, और फिर मैंने ले लिया है 8 से 10 काजू, इसे भी मैंने पानी में सोख करके रख लिया था। मैंने ले लिया 2 प्याज। तो चलिए आइए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम प्याज, अदरक और लहसुन को पीस लेंगे, हमें बिल्कुल फाइन पीसना है। तो देखिए अब ये पीस चुका है। अब हम अपने काजू और मगज़ को पीस लेंगे। मगज़ को भी मैंने पानी में सूख करके रख लिया था ताकि ये बहुत अच्छे से पीस सके, तो अब मैं इसे पीस ले रही हूँ। तो देखिए कितना फाइन पीस गया है। तो चलिए कढ़ाई में डालते हैं तेल, तेल को गर्म होने देते हैं और फिर अपनी सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। मटर को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मटर फ्रोजन वाला है तो उसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट उसे ग्रेवी में डालेंगे। तो यहाँ शिमला मिर्च को भी मैं डाल दे रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो देखिए सब्जी हमारी यहाँ हाफ कुक हो चुकी हैं, अच्छे से फ्राई भी हो गई हैं। तो इसे अब मैं निकाल लूँगी। तो देखिए बाकी के तेल में हम अपने पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। तो पनीर भी हमारा फ्राई हो गया, अब मैं पनीर को भी निकाल ले रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल और डाल दिया था, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही डलता है। और फिर मैंने डाल दिया है 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। और फिर मैंने अपने पीसे हुए मसाले को डाल दिया है, प्याज के मसाले को। अच्छे से प्याज को भून लेंगे। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने जो सब्जी मसाला डाला है ना, उसमें है जीरा, धनिया और काली मिर्च। आप चाहे तो अलग अलग डाल सकते हैं 1/2 चम्मच करके। तो मैंने नमक भी डाल दिया है और मसाले को ढक दिया था। तो देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा पक गया है। अब मैं इसमें अपने काजू और मगज़ के पेस्ट को भी डाल दूंगी, थोड़ी देर तक कुक कर लूंगी, तेल जब तक छोड़ने ना लगे। ढक दूंगी ताकि अच्छे से कुक हो सके। तो देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तेल छोड़ने लगा है। अब मैं डाल दे रही हूँ अपनी फ्राई की हुई सब्जियों को, मटर भी डाल दे रही हूँ। तो थोड़ी देर तक पका लूँगी ताकि नमक और मसाले सब्जियों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। तो देखिए सब्जी हमारी तैयार है, धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो आइए सर्व कर लेते हैं। तो अपने वेज कोरमा के ऊपर मैं डाल दूंगी मक्खन ताकि इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। और मैंने बनाया है आज बटर नान, तो प्लीज़ इसे घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।